पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव घटता जा रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स बढ़ाकर उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने चीनी सीमा विवाद का मसला उठाया और सत्र बुलाने की मांग की। उनका कहना था कि चीन से सीमा विवाद एक गंभीर मसला है। कई भारतीय क्षेत्रों में चीन की ओर से कड़ी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय सत्र या सर्वदलीय बैठक बुलाकर मौजूदा हालात के बारे में लोगों से बात करनी चाहिए। अब देखना यह है कि मोदी सरकार दिग्विजय सिंह की बात को कितना तवज्जो देती है।